नमस्कार आप सभी को। काफी समय बाद आज आप सबसे बात कर पा रहा हूं। कुछ शेड्यूल को लेकर दिक्कतों के कारण अभी तक आप सबसे मुखातिब नहीं हो सका। चैनल पर वीडियोस भी कम आ रहे हैं, इस सब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा वादा है कि आने वाले वीडियोस जिन पर हम सभी काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। वीडियोस में आगे बताता हूं कि आगे आप सब इस चैनल पर क्या क्या देखने वाले हैं। अभी हाल ही में YouTube पर एक भजन रिलीज किया गया जिसे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। असल में लोग इस भजन को विवादित बता रहे हैं। ऐसा क्या है इस भजन में और विवाद क्यों पनपा, जानेंगे सब कुछ। बने रहिए वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आने वालों से हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मंत्र अनुष्ठान लाइव पर। यहाँ आज हम बात करेंगे उस गीत की, भजन की, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया। सबसे पहले आप उस भजन के कुछ बोल सुन लीजिए। नाम डरा वैसे तेरे मक्के और मदीने में भी मेरा थोड़ा पूजा जा वैसे तेरे मक्के और मदीने में भी मेरा थोड़ा पूजा जा वैसे। भजन को लिखा है और गाया है विकास बब्बर सिंघौलिया ने। बोली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास हरियाणा या पश्चिमी यूपी के किसी जिले के निवासी होंगे। खैर छोड़िए, कौन कहाँ रहता है इससे हमें क्या मतलब। हमें मतलब तो है इस बात से विक्की विवाद क्या है। आखिर बुत परस्ती करने वालों को इस गाने में आपत्ति क्या है। उनका मानना है कि गाने में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का पर भगवान शिव की फोटो लगाकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। सुनिए ये वीडियो। मेरा भोला पूजा जाता है, इस तरीके के गाने अब बनाए जा रहे हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के दिलों को दुखाने के लिए। देखिए, जब रामनवमी पर ये जब जुलूस निकालते हैं और इस तरह के गाने बजाए जाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तेरे मक्का और मदीना में मेरा भोला पूजा जाता है, जब इस तरह के गाने गाए जाते हैं और बजाए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं भड़काओ, तो फिर मुसलमान हम आपको बता दें कि किसी भी धर्म से जुड़ी चीजों के साथ ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर भी आपत्तिजनक चीजें देखी हैं। आलोचना करने वालों को इस बात पर भी थोड़ी सी आपत्ति करनी चाहिए, थोड़ी सी मगर करनी जरूर चाहिए। एक अच्छी सलाह के तौर पर तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी ओर से ऐसे काम न किए जाएं कि दूसरे धर्म को समस्या हो, और हाँ, कौम को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी सुझाव के साथ ये सूचनात्मक जानकारी आप सबके साथ साझा करनी थी। बने रहिए चैनल के साथ। आगे भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस पर काम चल रहा है, बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आप सबका साथ मिलता रहे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अनुग्रहितोष्मि।